एक साल पहले मृत घोषित हो चुकी महिला अचानक सामाजिक सुरक्षा के पैसे निकालने बैंक पहुंची तो उसे देखकर बैंक कर्मी हैरान रह गए। फिर बैंक कर्मी ने हिम्मत कर पूछा, अरे आप तो मर चुकी थी, फिर जिंदा कैसे हो गई? ये सुनकर महिला के तो होश ही उड़ गए। बैंक कर्मियों ने बैंक की फाइल से मृत्यु प्रमाण पत्र निकाल कर देखा और फोटो मिलाया तो वह उसी महिला का निकला। ये घटना सारण के बनियापुर प्रखंड के सहाजितपुर थाना क्षेत्र स्थित धवरी पंचायत में हुई। चानो देवी जब लॉकडाउन के दौरान अपने जनधन खाते से पैसा निकालने गई तो उन्हें कुछ ऐसा ही जवाब मिला। अब चानो को ये सबूत देना पड़ रहा है कि वो जिंदा है। वे ग्रामीण बैंक के सीएसपी पर गए तो संचालक ने बताया कि उनका खाता बंद है क्योंकि कागजात के हिसाब से वह मर चुकी है। इस मामले में सरपंच पूनम देवी ने बताया कि यह कारनामा उनके छोटे पुत्र ने किया है, उनका हस्ताक्षर भी पुत्र ने ही कर दिया है। इस पत्र की कोई जानकारी सरपंच के पास उपलब्ध भी नहीं है जिसे जारी किया गया है। सरपंच के लेटर हेड में लिखा गया है कि चानो की मौत 9 अक्टूबर 2019 को हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि एक प्रतिनिधि की जगह उसका बेटा फैसले कैसे ले रहा है, और ये तो सिर्फ एक मामला है जो सामने आया है। ऐसे कितने फैसले होंगे जो उनके बेटे ने लिए होंगे। न्यूज़ डेस्क।